सर मेयर को रहा है, प्रेजेंट मेयर को सर आए। चंडीगढ़ के सभी पर्वत नागरिकों से मेरा निवेदन है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी का तालियों के साथ और झंडे ऊंचे करके स्वागत कीजिए। आम आदमी पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब 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 इंकलाब। माननीय अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद। मान साहब को, मान साहब, मान साहब थोड़ा, आप थोड़ा थोड़ा साइड में हो जाएंगे प्लीज, मान साहब को आने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में, भगवंत मान जी भी पहुंच चुके हैं। मैडम, मैम आप एक मिनट थोड़ा सा, आप साइडों में हो जाओ। अंजू जी आप साइड में आ जाइए। भारत माता की, भारत माता की। माननीय अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, भगवंत मान जी जिंदाबाद, भगवंत मान जी जिंदाबाद। आज बहुत ही खुशी का माहौल है, नाचते हुए चलिए प्लीज, धक्का ना मारिए किसी को भी, नाचते हुए चलिए। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, इस चुनाव से पहले हमने एक नारा दिया था चंडीगढ़ में भी अरविंद केजरीवाल, तो आज अरविंद केजरीवाल जी चंडीगढ़ पहुंच भी चुके हैं। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। अरविंद केजरीवाल जी जोर से जरा नारा लगाइए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी चंडीगढ़ में भी आ गए, चंडीगढ़ में भी आ गए। आप सभी से निवेदन है, सभी से निवेदन है कि केजरीवाल जी आप सबके बीच, आप सब लोगों का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। जो मैंडेट जो आपने हमारे 14 पार्षद जिता के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी को एक तोहफा दिया है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी खुद आपका धन्यवाद करने के लिए चंडीगढ़ में आए हैं। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। आम आदमी की लहर है ये, जात धर्म के नाम तले लोगों को बांटा।
तलवार से फिर उनको तो काटा जाता है। संप्रदाय हमें संबोधित करेंगे, उससे पहले नारे लगाकर यह आवाज दिल्ली तक गूंजनी चाहिए ताकि हमारे मैन मिसेज केजरीवाल जी को पता चले कि चंडीगढ़ में कितना भव्य स्वागत आप लोगों ने किया। चंडीगढ़ में 24 दिसंबर 2021 को मान साहब ने कहा था कि चंडीगढ़ इतिहास लिखेगा और वो इतिहास चंडीगढ़ ने लिखकर दिखा दिया। आज मैं मान साहब आपका धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ माननीय हमारे ऑल इंडिया कन्वीनर और हमारे करोड़ों दिलों की धड़कन जिनका स्वागत करने के लिए आज आप इतनी बड़ी संख्या में तादाद में इकट्ठे हुए। इस तरह से लोगों ने दिल से स्वागत किया। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा भगवंत मान जी को जो कन्वीनर है आम आदमी पार्टी पंजाब के वो आए और हमें संबोधित करें। इनकलाब थोड़ा हो इनकलाब चंडीगढ़ वाले हो सब तो पहला बहुत बहुत धन्यवाद। उसी इतिहास लिखिया चंडीगढ़ के वासियों ने यह दर्शाया पूरे देश नू कि असी नफरत दी जा असी धर्म दी जाति दी राजनीति नहीं चाहते। असी डिवेलपमेंट दी राजनीति चाहते हैं। चंगे स्कूल चाहते हैं, चंगियां सड़कां चाहते हैं, चंगा बिजली पानी का प्रबंध चाहते हैं। ये वास्ते चंडीगढ़ वासियों का धन्यवाद करने लिए अज अरविंद केजरीवाल जी उचेचे तौर पर पहुंचे ने। उन्हों का भी जी आया नू और जिन्हें भी साडे इतिहास रचेता जेडे एम सी ने आम घर तो ही ने पर उन्होंने ये दसता कि आम घर तो उठ के भी बड़े बड़े दिग्गजों हराया जा सकता है। एक बार जोरदार ताड़ियां इस गल के नाते मैं सुवीरो सिटी ब्यूटीफुल जिहड़ा हुंदा सी इहदे नाल सी लग गया सी 66वें नंबर ते चले गए चंडीगढ़ दे वासी। चंडीगढ़ शहर अपने सोहणे पंच सिटी ब्यूटीफुल 66वें नंबर ते चला गया। इहनूं हुण वापस पहले नंबर ते लैके आउणा आम आदमी पार्टी की सब तो पहली प्रायोरिटी है। और जिन्ने भी साडे एम सी जिते ने उहनां नूं वधाइयां भी नाल नाल और जिन्हें कार्यकर्ता वर्कर वलंटियर जिन्होंने परदे के पिछे रह के काम किया डोर टू डोर कैंपेन की पोस्टर लाए दिन रात एक किया सब तो बहुत धन्यवाद उन्हों का क्योंकि किंग मेकरस आर ऑलवेज बिगर दैन किंग्स। सो इस करके तुसी किंग्स तो बड़े हो तुसी किंग मेकर हो। और चंडीगढ़ के इस शहर के बड़िया यादा सारे ने जुड़िया ने। सो चंडीगढ़ नू खूबसूरत बनाउणा और लोगों नू चंडीगढ़ के लोगों नू वधिया सहूलत देना साडी प्रायोरिटी होगी। जिवें दिल्ली नू एक मॉडल बना के दिखाया चंडीगढ़ नू भी एक मॉडल बनावांगे। सो वीरो मैं कहा सी जदों अरविंद जी आए सीगे मैं उदों एक गल कही सी कि मैनू पत्रकारां ने पूछिया 2020 दे विच जो दिल्ली जिते कि तुसी एड्डी वड्डी नेरी नू किवें रोक दिंदे हो मोदी दी नेरी नू किवें रोक दिंदे हो तुसी दिल्ली दे विच उहनां नू जित्त नहीं दिंदे हालांकि उह बहुत जोर लाउंदे ने बहुत कंपेन करदे ने। मैं कहा जी सिंपल जिहा तरीका है बीजेपी दा चोण निशान की है उह कहिंदे जी कमल। मैं कहा जी साडा चोण निशान की है कहिंदे झाड़ू। मैं कहा कमल कमल दा फुल कित्थे उगदा है उह कहिंदे चिक्कड़ च। मैं क्या झाड़ू की करता कहते चिक्कड़ की सफाई। मैं क्या चिक्कड़ नूं असीं साफ कर दिंदे आ कमल उगदा ही नहीं। सो वीरो ये जिहड़ा तुसीं चंडीगढ़ियां ने झाड़ू चलाया ये चंडीगढ़ तां चाकी है पंजाब हजे बाकी है। सो वीरो ये आम आदमी पार्टी फास्ट सब तो फास्ट सब तो तेज तरीके नाल तेज रफ्तार नाल वधण वाली पार्टी है क्योंकि थोड़ी अपनी पार्टी है। ना कोई असी पैसे नाल जित सकते इन्हां नूं ना कोई असी
कोई मसल पावर है साढ़े कोले, साढ़े कोल तो बस थोड़ी पावर है, सच्चाई की पावर है, ईमानदारी की पावर है। सो चंडीगढ़िया का, चंडीगढ़िया का एक बार फिर धन्यवाद। आने वाले महीनों के विच तुहानू पता लग जूगा कि हाँ चंडीगढ़ जिहड़ा है वह दोबारा सिटी ब्यूटीफुल दे रस्ते चल पिया। जदों तुहानू बिजली पानी दी सहूलतां मिलियां, जदों तुहानू तुहाडियां बुनियादी जिहड़ियां सहूलतां ने वह मिलियां, तां तुहानू इह गल दा अहसास हो जूगा असीं एक मौका मंगिया सी तुसीं देता। इह तों बाद दिल्ली दे विच भी एक मौका मंगिया सी, बाकी पार्टियां नू भुल ही गए लोग। कांग्रेस तां वैसे 2015 च कांग्रेस जिहड़ी है 2015 च कांग्रेस दियां दिल्ली दे विच देश की राजधानी दे विच कांग्रेस दियां सीटां किन्नियां जीरो, 2020 दे विच कांग्रेस दियां सीटां किन्नियां जीरो। ये आम आदमी पार्टी नू लोक ना ये किसी होर तरीके ना देखते ने। मैं कल गल कर रहा सीगा सीएम साहब नाल, देखिए असीं राजधानी पहला जितते हाँ स्टेट बाद जितते हाँ, तो दिल्ली देखो देश की राजधानी जित ली, देश बाद जिता गए, हुण चंडीगढ़ राजधानी पंजाब की वह जित ली, हुण पंजाब जिता गए। सो थोड़े नाल थोड़े वर्गियां ऐदां ही रहांगे। एक बार दोनों हथ उपर चाके, दोनों हथ उपर चाके दो नारे ला दिओ, इनकलाब इनकलाब, बोले सोनिया भारत माता की। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक मिनट ली चंद्रमुखी जी, आज हम सब लोग मैं ला देना, बोलो की लाना, बोलो की लाना, एक लाना इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे प्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी इस चंडीगढ़ की जनता का शुक्रिया अदा करने आए हैं, जिन्होंने कि पहली ही लड़ाई में 14 काउंसलर जीतकर केजरीवाल जी की झोली में डाल दीजिए। मैं सिर्फ एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो नारा था हमारा चंडीगढ़ में भी केजरीवाल, उस नारे का आज मैं मतलब समझाना चाहता हूं। एक बार सूर्य देवता ने परमात्मा को कहा कि मेरे को छुट्टी पे जाना है, वो सब पूरे देवलोक में हड़कंप मच गया। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि सूर्य देव छुट्टी पे चले जाए? तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक मौका देते हैं, आप अपनी रिप्लेसमेंट देके जाइए। सो सभी लोग ढूंढना शुरू कर दिए। एक छोटा सा दिया खड़ा था, दिया कहता जी मैं आपको रिप्लेसमेंट दे सकता हूं। सब हंसने लग पड़े, कह रहे भी दिया और सूरज की रिप्लेसमेंट? कह रहा जी मैं सूरज का काम तो नहीं कर सकता, पर जहां मैं जलूंगा वहां पे प्रकाश करा करूंगा। ये केजरीवाल जी सब आपके दिए हैं, आपकी हर बात के ऊपर, आपकी हर इशू के ऊपर, आपके मैसेज को जमीन पे ग्राउंड पे लेके जाने के लिए तैयार खड़े हैं। ये है चंडीगढ़ में भी केजरीवाल का मतलब। तो आप सब लोग आज केजरीवाल जी को हम ही भरिए कि आप केजरीवाल जी के दिए हैं, हाथ खड़ा करके कि आप केजरीवाल जी के दिए हैं। केजरीवाल केजरीवाल चंडीगढ़ में भी। शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं उससे पहले सिर्फ दो बातें शेयर करूंगा कि माननीय सीएम साहब हमारे बीच में आए थे दशहरा ग्राउंड में, उस दिन मैंने एक अनाउंसमेंट की थी और उसको इंडोर्स भगवंत मान जी ने बाद में किया हमारे पार्षदों की मीटिंग में कि देश के भावी प्रधानमंत्री। तो क्या आप एग्री हैं? चंडीगढ़ वासियों ने तो मोहर लगा दी कि देश के भावी प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे, लेकिन भगवान मान जी ने एक बात बोली हमारे पार्षदों की पहली मीटिंग के अंदर कि चंडीगढ़ वाले हो तुसी पंजाब का गेटवे खोलता, ते हुण पंजाब जितन तो बाद असी पंजाब वाले दिल्ली का गेटवे खोलांगे। और वो गेटवे किदे वास्ते होएगा? श्री अरविंद केजरीवाल जी वास्ते। हुण मैं गुजारिश करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिल भारतीय आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और पूरे, अब तो चंडीगढ़ नहीं पूरे देश में सेलिब्रेशन हो रही है, तो देश के दिलों की धड़कन माननीय अरविंद केजरीवाल जी से कि आए और आपको संबोधित करें।
एक बार जोर से भारत भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। चंडीगढ़ वालों आपने कमाल कर दिया, आपने चमत्कार कर दिया, पूरे देश का दिल जीत लिया आपने। जब से चंडीगढ़ के नतीजे आए हैं सारे देश में लोग कह रहे हैं यार हो तो सकता है, इनको हराया तो जा सकता है। पहले दिल्ली में हराया इन दोनों पार्टियों को, अब चंडीगढ़ वालों ने हरा दिया इन दोनों पार्टियों को। आज मैं पूरे चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ के एक एक नागरिक का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं कि आपने जो भरोसा हमारे ऊपर किया है, इस भरोसे को और मजबूत करेंगे, कभी भी टूटने नहीं देंगे हम लोग। आपने जो प्यार और मोहब्बत दिया है, ये दिन हर दिन दुगना चुगना होता जाएगा, इसको प्यार को कम नहीं होने देंगे, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। एक एक जो आपने हमारे एमसी को चुना है, कैंडिडेट्स को चुना है, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये आसान बात नहीं है। ये दोनों पार्टियां बहुत पुरानी पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, बीजेपी इतनी पुरानी पार्टी है, इनके इतने बड़े बड़े नेता थे। चंडीगढ़ की जनता ने अगर उन सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हराया है, आपके ऊपर विश्वास किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है रात दिन 24 घंटे तन मन धन से चंडीगढ़ के लोगों की सेवा करना। आज चंडीगढ़ ने दिल्ली के काम देख के वोट दिया, लोगों ने देखा यार दिल्ली में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, दिल्ली में इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, स्कूल ठीक कर दिया, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली पानी ठीक कर दिया, इसीलिए इनको चंडीगढ़ में मौका दो। दिल्ली हमें पहला राज्य मिला था, चंडीगढ़ हमें पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मिली है। जैसे दिल्ली को देख देख के बाकी और जगह वोट मिल रहा है, अब चंडीगढ़ में हमें इतना अच्छा काम करना है कि चंडीगढ़ को देख देख के बाकी देश की जनता हम लोगों को वोट दे। तो चंडीगढ़ के एक एक एमसी के ऊपर हमारी जिम्मेदारी है। सबसे मैं ये भी कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से के सारे ऑफिस बेरर से, सभी एमसी से, चुनाव के वक्त राजनीति होती है, अब राजनीति खत्म हो गई। अब चाहे कोई बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे अकाली दल का है, वो सारे हमारे हैं, किसी में भेदभाव नहीं करना। जो आम आदमी पार्टी को 14 सीट मिली, बीजेपी को 12 सीट मिली, कांग्रेस को 8 सीट मिली, अकाली दल को 1 सीट मिली, ये सारे बीजेपी वाले भी अपने ही हैं, ये कांग्रेस वाले भी अपने ही हैं, ये अकाली दल वाले भी अपने ही हैं। हमें सबका काम करना है, हमें यह नहीं सोचना कि ये तो उस पार्टी का कोई वोटर भी है, किसी ने अगर कांग्रेस को वोट दिया, हमें उसका ज्यादा काम करना है ताकि अगली बार वो हमें वोट दे। अगर कोई अकाली दल का है, कोई बीजेपी का है, उसने अगर बीजेपी को वोट दिया, उसका ज्यादा काम करो ताकि बीजेपी वाला अगली बार हमें वोट दे। चंडीगढ़ को वापस देश का सबसे खूबसूरत शहर बनाना है, सिटी ब्यूटीफुल वापस बनाना है। चंडीगढ़ के स्कूल, अस्पताल, सड़कें सब कुछ ठीक करनी है। अब मैं एक, आज पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में, आप सबके सामने, आप सबको हाजिर नाजिर मान के हमारे 14 के 14 एमसी मेरे साथ खड़े हैं, ये आपके सामने शपथ लेंगे, मैं इनको सबको शपथ दिलाऊंगा, मंजूर है? तो सबके पास आ गया ये कागज, ये अभी आपके सामने शपथ लेंगे, इसको साइन करा के इनके अपने अपने एरिया में, सबके घर में भी बांट देंगे। तो सब लोग अपने अपने भगवान का नाम साथ में ले लेना, मैं बोलता जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे सब लोग जोर से बोलना ताकि चंडीगढ़ के लोगों को सुनाई दे, जितने माइक हैं वो भी आप अपने साथ रख लो। मैं जोर से ईश्वर की कसम खाता हूं,
कि चंडीगढ़ के लोगों की तन मन और धन से पूरी तरह सेवा करूंगा। जो विश्वास चंडीगढ़ के लोगों ने मुझ पे किया है उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा और ना किसी को गलत काम करने दूंगा। आम आदमी पार्टी मेरी मां के समान है, चंडीगढ़ के लोग मेरा परिवार है, चंडीगढ़ के लोगों ने मेरी पार्टी और मुझे वोट देके जो भरोसा किया है इसे कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं कभी आम आदमी पार्टी छोड़कर नहीं जाऊंगा। कभी भी मेरे चंडीगढ़ परिवार से और आम आदमी पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर ऐसा करूं तो चंडीगढ़ के लोग मेरे को दोबारा वोट मत देना। इनकलाब भारत माता की। मुझे पूरा यकीन है कि चंडीगढ़ के इन नतीजों से पूरे पंजाब के अंदर लहर दौड़ गई है। अब अगली बार मैं उम्मीद करता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर शपथ ग्रहण के लिए आएंगे। पंजाब का चुनाव जीतने के बाद चंडीगढ़ के अंदर शपथ ग्रहण के लिए आएंगे। भारत माता की।